तो गाइस अगर आपके पास भी पोको का कोई भी फोन है तो उसको उछालिए और बैट से दे के मारिए। अगर आप बैट से दे के मारोगे तो इसका एक फायदा होगा, बेसिकली आपको थोड़ी सी दिल को ठंडक मिलेगी कि ये मैंने खुद ही डिस्ट्रॉय किया है, ये अपने आप नहीं हुआ। और या फिर उसके अंदर आग लगा दीजिए, आग भी लगाओगे तो भी खुद को ही ठंडक मिलेगी कि ये मैंने खुद से किया है लेकिन ये अपने आप नहीं हुआ। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो करते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक अपनी कहानी बताता हूँ। मेरे छोटे भाई ने एक फ़ोन लिया, पोको X2 प्रो, ठीक है। उसको लिए हुए बेसिकली 1 साल 6 दिन हुए और 6 दिन के बाद उसका जो मदरबोर्ड था वो फूक गया। अब फूका कैसे, फ़ोन तो पूरा चल रहा था लेकिन उसकी पूरी कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी और सिम की जो भी सिम के नेटवर्क थे, ये सारी कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वो सारी की सारी बेसिकली ब्लॉक हो गई। और दूसरे नंबर पे उसका जो फ्रंट कैमरा था वो भी डेड हो गया, बिल्कुल ब्लैक आ रहा था, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम उसके अंदर 1 साल 6 दिन के बाद आई, ठीक है। अब वो कैसे आई, तो 1 साल 5 दिन हुए थे उसको, बेसिकली एक अपडेट आया उसके फ़ोन में और जैसे उसने अपडेट करा, अपडेट करने के बाद 6 या 7 घंटे तक फ़ोन सही चला, उसके बाद एकदम से उसकी सारी कनेक्टिविटी लॉस हो गई और फ्रंट कैमरा डेड हो गया, ठीक है। उसे मैं खुद ही सर्विस सेंटर लेके गया और सर्विस सेंटर वालों को सारी बातें बताई। और जब मैंने उन्हें सारी बातें बताई तो उन्होंने बोला कि इसका मदरबोर्ड फूक गया, मदरबोर्ड डलेगा और वो डलेगा 13,500 या 600, कुछ पर्टिकुलर रेट अब मुझे ध्यान नहीं है, उतने का डलेगा। तो मैंने फ़ोन लिया और मैं फ़ोन वापस लेकर आ गया। और हाँ, उन्होंने एक बात और बताई थी कि फ़ोन हीट होने की वजह से इसका मदरबोर्ड फूका है, ठीक है। अब ऐसा हुआ, फ़ोन हीट होने की वजह से मदरबोर्ड फूका है, तो ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं मानी कि शायद हाँ यार हीट तो हुआ है। क्यों, क्योंकि मैं फ़ोन जब भी बेसिकली उसको ऑन कर रहे थे ना, फ़ोन तो चल रहा था, ऑन करने पर हीट बहुत हो रहा था, तो मैंने कहा यार हीट होने की वजह से शायद ये ख़राब हो गया हो और इसीलिए इसका मदरबोर्ड फूक गया। तो मैंने उनकी बात मानी और मैं आ गया आने के बाद। अब एज अ टेक यूट्यूबर मैंने बहुत सारे लोगों को, वैल्यू फॉर मनी थे पोको के फ़ोन, तो मैंने बहुत सारे लोगों को बेसिकली रेफ़र किए। तो उनमें से एक फ़ोन पोको M2, उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम आई और उसके अंदर भी ये सेम प्रॉब्लम आई थिंक 1 साल 1.5 महीने बाद के करीब ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो प्रॉब्लम आई थी, उसका पूरा का पूरा मदरबोर्ड ही डेड हो गया, वो चलना ही बंद हो गया था। और उसके साथ भी ये सीन अपडेट आने के बाद हुआ था, ठीक है। अब हुआ ऐसा यार, दो फोन के अंदर एक साथ ऐसे सीन हो गए, तो मुझे ये चीज़ यकीन मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगा। और तब से ना मैंने पोको के फ़ोन रिकमेंड करना बंद कर दिया, ठीक है। और मैंने अब आकर देखा कि आजकल मैंने ट्विटर पे देखा कि आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, पोको के फ़ोन्स के अंदर ये सारी खराबी आ रही है। पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया था कि भाई चलो ठीक है, इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, हो जाती हैं ख़राब, लेकिन अब मैंने देखा कि पोको के फ़ोन के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, अब ट्विटर भरा पड़ा है। अब इस चीज़ के मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ आपको, यहाँ पे बहुत सारे प्रूफ आ रहे होंगे, ऐसा एक दो यूज़र नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने अपनी कहानी बताई, और ऐसे बहुत सारे यूज़र हैं जिनको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिली। तो ये पोको की गलती, ये बिल्कुल भी हम लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि पोको अपडेट भेज रहा है। अगर ये वारंटी में फ़ोन थे, अगर फोन वारंटी में है तो पोको सही करके दे रहा है, लेकिन अगर आउट ऑफ वारंटी हो रहे हैं तो सही नहीं करके दे रहा। लेकिन यहाँ पर पोको की पूरी गलती है और ये वीडियो पोको तक जानी चाहिए और बेसिकली उनको इन सब फ़ोन वालों को सपोर्ट देना चाहिए, या तो फिर रिफंडेबल करना चाहिए, नहीं तो उस फ़ोन को पूरा का पूरा रिपेयर करके देना चाहिए विद एक्सटेंडेबल वारंटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी बिल्कुल भी गलती नहीं है भाई, तुम कुछ भी अपडेट भेजो, तुमने पहले टेस्ट क्यों नहीं करा और हमारा फ़ोन तुमने फूंक दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ। पहला प्रूफ है यहाँ पर, जिसके अंदर पोको के फ़ोन के सर्विस सेंटर वाला खुद अपने मुंह से कबूल रहा है कि हाँ टेक्निकल फॉल्ट है पोको के फोन्स में ये। तो वीडियो देखो। तो ये इशू है पोको X3 का, ये ऑन ही नहीं हो रहा है काफी दिन से। तो X3 प्रो में एंड्रॉइड का इशू आता है, X3 प्रो में प्रो में तो उसका मदरबोर्ड का इसका पता नहीं क्या। तो अब आपने वीडियो देख ली होगी, इससे प्रूफ हो गया कि ये पोको की ही गलती है, किसी भी यूजर की गलती नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अब आप इतने सारे प्रूफ देख लो ट्विटर के यहाँ पर, और मैं बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो, तो जितने भी यूजर हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आई है, लिस्ट भरी हुई है, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 2-2, 3-3 हज़ार यहाँ पर यूजर्स ऐसे हैं जिनके पोको के फोन में
आग लग गई है। तो इसीलिए मैंने बोला या तो अपने पोको के फोन को उछाल कर बैट से देके मारो बाउंड्री के बाहर, या फिर इनके अंदर आग लगा दो। सुकून खुद को मिलेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट खराब हो गया ना तो टेंशन में और हो जाओगे। सुकून चाहिए तो आग लगा ये दो। बेसिकली लोगों की आवाज़ थी, जैसा कि हमने रियलमी के लिए भी एक आवाज़ उठाई थी, रियलमी की डिस्प्ले पेस्टिंग छूट रही थी, उसके अंदर भी उन लोगों ने बेसिकली कोई भी लाइक मुझे भी सपोर्ट नहीं किया था। तो उस वीडियो में बहुत प्यार मिला था। ये दूसरी वीडियो ऐसे भी फैला दो दबाकर, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच करें, और जो मन में आए वो करें। शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें।